नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार। आज की इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं पवन सिंह के एक नए म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, अगर कोई गाना हिट होता है तो उसमें म्यूजिक डायरेक्टर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। और पवन सिंह का जो भी गाना आप सभी के बीच आता है उस गाने में ज़्यादातर म्यूजिक देते हैं प्रियांशु सिंह। और प्रियांशु सिंह एक बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं और गाने में एकदम धाकड़ म्यूजिक देते हैं। और प्रियांशु सिंह बहुत ही कम उम्र में पूरी तरह से छा गए हैं। और आप सभी को बताना चाहता हूँ, प्रियांशु सिंह अपना खुद का म्यूजिक स्टूडियो भी खोल लिए हैं, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। एकदम धाकड़ स्टूडियो खोले हैं, जो कि पवन खेसारी का भी ऐसा स्टूडियो नहीं है। लेकिन आप सभी को एक बहुत ही बड़ी खबर देना चाहता हूँ। बड़ी खबर है कि पवन सिंह के साथ एक और नए म्यूजिक डायरेक्टर जुड़ गए हैं, जिनका नाम है सरगम आकाश। और सरगम आकाश पवन सिंह के साथ 2400 घंटा रहते हैं। और आप सभी को बताना चाहता हूँ, सरगम आकाश भी बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं और बहुत ही सीधा साधा लड़का हैं। और पवन सिंह का अब जो भी गाना आप सभी के बीच आएगा, ज्यादातर म्यूजिक आप सभी को देखने को मिलेगा सरगम आकाश का और प्रियांशु सिंह का। और पवन सिंह का जो पहला नवरात्रि गाना आने वाला है उसमें सरगम आकाश का ही म्यूजिक होने वाला है। और प्रियांशु सिंह से कोई दूरी नहीं हुआ है, प्रियांशु सिंह भी पवन सिंह के गाने में म्यूजिक देंगे। और कल पवन सिंह का जो पोस्टर आया था, भले ही इस गाने में प्रियांशु सिंह म्यूजिक नहीं दिए हैं, मगर इस गाने के पोस्टर को अपने आईडी से प्रियांशु सिंह ने शेयर किया है। हाँ तो दोस्तों, ये रहा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का अपडेट। आप सभी को कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।